फ्रेंड्स, मैं एलपी राकेश, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एलपी का प्रमोशन कहां तक हो सकता है, उसका कैरियर ग्रोथ क्या होता है और सैलरी इंक्रीमेंट कितने होता है हर पोस्ट में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए जानते हैं कि एलपी का कैरियर ग्रोथ कहां तक हो सकता है। जो भी एलपी एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई के चैनल को जल्दी 1K पहुंचाना है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एक एलपी को कितना टाइम लगता है आगे का प्रमोशन लेने में। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक एलपी को मतलब जनरली 2 ईयर्स लगते हैं आगे प्रमोशन लेने में, एज एन सीनियर एलपी बनने में। लेकिन इसके भी कुछ कंडीशन है, आपको कितने वैकेंसी आपके पोस्ट के लिए आएंगे और ऊपर वाले कितने सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, तभी जा कर के इस पोस्ट में आपका प्रमोशन होगा। और जैसे सपोज कि अगर एक एलपीएम रिटायरमेंट लेते हैं, बहुत सारे एलपीएम या कोई भी रिटायरमेंट ले रहे हैं और एलपीपी उसके नीचे पोस्ट में, तो उनको उन लोगों का एलपीपी को एलपीएम बनाया जाएगा, तो एलपीपी के जगह जो एलपीजी है उन लोगों को एलपीपी बनाया जाएगा। तो ऐसे करके प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम लोगों के पूरा डिपेंड करता है कि कितने लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है और कौन से कैटेगरी में कितने वैकेंसी आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रमोशन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलपी को कितना टाइम लग जाता है दूसरे पोस्ट में, मतलब सीनियर एलपी बनने में। फ्रेंड्स, इसमें टोटली डिपेंड करता है कि कितने सारे वैकेंट सीट खाली है आपके अपर प्रमोशन लेने के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपके कोई सर्विस में कोई आपको पनिशमेंट मिला है कि नहीं, अगर आपका सारा रिकॉर्ड अच्छा रहता है और आपका सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन दिया जाता है, तो जनरली 2 ईयर्स में एज एन एलपी सीनियर एलपी बन जाते हैं। तो ये उनका पहला प्रमोशन होता है और ग्रेड पे होता है, वो 1900 होता है। उसके बाद आपका सीधा प्रमोशन होता है एज एन सीनियर एलपी, उसमें आपका ग्रेड पे 2400 हो जाता है। ग्रेड पे बढ़ने से आपका कुछ सैलरी में भी इन्हेंसमेंट होता है, जैसे कि आपको सैलरी में कुछ 4-5 हज़ार बढ़ जाते हैं, तो वही 27-28 हज़ार हो जाते हैं बेसिक। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रमोशन होता है एलपी टू सीनियर एलपी। तो अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया, फिर इसके बाद सीनियर एलपी एक सेंटर कितने टाइम में बनता है इसके बारे में अभी बताऊं। सबसे पहले जानते हैं कि आपका सीनियर एलपी से जब आपका एलपीएस में प्रमोशन होगा, लोको पायलट सेंटर, और लोको पायलट सेंटर उन्हें कहते हैं जो मतलब इंजन को कपल्ड और अनकपल्ड करते हैं, मतलब जैसे कि इंजन को वहां से खोल करके, कोई भी इसे खोल करके और दूसरे जगह उस इंजन का जहां जरूरत रहता है उस स्टेशन सेक्शन में, वहीं पे वो दूसरे जहां भी जरूरत रहेगा उस पर जाके लगा देते हैं। और इनका जो शिफ्ट रहता है वो 8 घंटे का शिफ्ट रहता है और इसको गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आपका शिफ्ट वाइज जॉब होता है, 8 घंटे जॉब करके आप सीधा घर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड रहता है रनिंग स्टाफ वालों के लिए। तो एलपीएस बनने में आपको कम से कम सीनियर एलपी बनने के बाद 2 या 3 ईयर्स लगे जाते हैं। उसके बाद आपका जब वैकेंसी आता है, आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, हर कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी आते हैं, तो आपका सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसमें भी एलपीएस में प्रमोशन दे दिया जाता है। और आपका जो ग्रेड पे रहता है वो आपका 2400 ही ग्रेड पे रहता है। अब 2 साल काम करने के बाद आपका ग्रेड पे बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आपका 4200 ग्रेड पे कर दिया जाता है, जो कि एक एलपीजी का ग्रेड पे के बराबर है। और एक नोट कुछ करवाना चाहूँगा कि जैसे एलपीएस के बाद आपको इसमें एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप एलपीजी के पोस्ट में जा पाएंगे, क्योंकि एलपीजी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। इसमें लोको पायलट्स गुड्स आप काम करेंगे और आपको मेन लाइन पे वर्किंग करना है, आप गाड़ी को चलाने के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है। तो एलपीजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, तो इसके लिए आपका एग्जाम लिया जाता है। आप एग्जाम में पास करेंगे तभी आपको एलपीजी में प्रमोशन दिया जाएगा। तो एलपीजी का पीरियड भी करीब, एलपीजी बनने के लिए आपको एलपी से एलपीजी बनने के लिए कम से कम आपको 6 या 7 ईयर्स लगे जाते हैं, तभी आप लोको पायलट गुड्स चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
और एलपीजी में आपका कम से कम 6 या 7 ईयर्स आपको वर्किंग करना पड़ता है और आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तभी आपको नेक्स्ट प्रमोशन दिया जाता है जो कि लोको पायलट पैसेंजर के पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको एलपीजी में अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड बढ़िया रहता है तो आपको एलपीपी में प्रमोशन दिया जाता है। जब वैकेंसी निकलती है तो आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक करके पूरे अच्छे से, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है या ये सब देख करके, आपको लोको पायलट पैसेंजर में वर्किंग करने के लिए दिया जाता है। और लोको पायलट पैसेंजर बनने के लिए आपको साइको देना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन को चलाने के लिए उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। आपको साइको देना पड़ेगा, तभी आप साइको पास करेंगे तभी आप लोको पायलट पैसेंजर में काम कर पाएंगे, क्योंकि लोको पायलट पैसेंजर में आपका पीछे जो भी पीछे पैसेंजर रहते हैं उन लोगों का सारा सेफ्टी आपके हाथ में रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट रहता है, इसलिए इसमें बहुत ही कुछ देखा जाता है, तभी एक एलपीजी को लोको पायलट पैसेंजर बनाया जाता है। और इसमें भी आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे रहता है, लेकिन इसमें किलोमीटर जो पर किलोमीटर पैसे मिलते हैं वो कुछ बढ़ जाते हैं। एक एलपीजी को 5.26 किलोमीटर पर किलोमीटर के चार्ज किए जाते हैं और इसमें 5.67 कुछ ऐसे चार्ज किए जाते हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है एलपीपी। एलपीपी बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है लोको पायलट मेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि इसमें आपको प्रीमियम ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा, जैसे राजधानी, शताब्दी, जितने भी 130 km/h या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से जो चलते हैं उसमें आपको ट्रेन को चलाने का मौका मिलता है। और बहुत ही एक्सपीरियंस मतलब लोको पायलट्स को बनाया जाता है इस पोस्ट के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई स्पीड ट्रेन चलती है और सारे सिग्नल लोगों के बारे में अच्छी जानकारी होने चाहिए, उन्हीं लोगों को बनाया जाता है। इसके लिए भी साइको होता है, तभी आपको लोको पायलट मेल में एज एन लोको एलपीएम काम करने के लिए मौका दिया जाता है। तो ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो भी भाई बोलते हैं कि सैलरी 1 लाख से ऊपर जाता है, मतलब 1.5 लाख तक या 1.40 तक, तो इसी पोस्ट में जाता है, क्योंकि ये 20-25 साल एक्सपीरियंस वालों को ही इसमें मौका मिलता है जाने का लोको पायलट मेल में। तो उस समय से उनका बेसिक पे भी बढ़ जाता है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो इस पोस्ट में आप बोल सकते हैं कि एक लोको पायलट का सैलरी अच्छा खासा मिलने लगेगा। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं कि एलपीएम के बाद क्या प्रमोशन होता है। तो एलपीएम के बाद आपको LI या CLI बनने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका एलपीजी पीरियड भी आप 5 लाख किलोमीटर अगर कवर कर लेते हैं एक्चुअल किलोमीटर, और अगर आपका सर्विस भी 10 साल हो जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि LI मतलब होता है लोको इंस्पेक्टर और CLI मतलब होता है चीफ लोको इंस्पेक्टर। तो LI का प्रमोशन के लिए एग्जाम होते हैं, तो उसमें आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो आपका प्रमोशन LI या CLI के पोस्ट में हो जाएगा। और LI का काम यह रहता है कि जैसे लोको इंस्पेक्टर पूरा काउंसलिंग करते हैं हर एक LPG या LPP या LPM, उनके अंडर में 10-12 LPM रहते हैं और LPG भी रहते हैं, हम लोग भी उन्हीं के अंडर में रहते हैं LP या सीनियर LP। तो हम लोगों का काउंसलिंग किया जाता है और उनके हाथ में रहता है कि कैसा ग्रेड में बांट दिया जाता है ड्राइवर, जैसे A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड ऐसे करके, और वो उनके हिसाब से ही सबको ग्रेड में बांटा जाता है। और उसके बाद CLI पोस्ट में चीफ लोको इंस्पेक्टर बोला जाता है, तो ये सबसे ऊपर लेवल का पोस्ट होता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा कि CLI के बाद क्या प्रमोशन होता है। तो इन लोगों का भी जो बेसिक पे रहता है वो 4200 ग्रेड पे ही रहता है, मगर इन लोग बहुत एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, तो इन लोगों को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। और इसके बाद जो प्रमोशन होता है CLI के बाद, आप एक ग्रुप बी ऑफिसर में भी जा सकते हैं। और अगर आप LI और CLI के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप ग्रुप बी ऑफिसर के लिए भी एग्जाम दे सकते हैं, कि मतलब ग्रुप बी ऑफिसर में जैसे आपके आते हैं असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, जिसको ADME बोला जाता है, और एक आता है पोस्ट ADE असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये पोस्ट ऑफिसर पोस्ट में चले जाते हैं और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4600 ग्रेड पे हो जाता है, और आप एज एन ऑफिसर काम करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप बी का पोस्ट रहता है। तो आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखिए कि एक LP ग्रुप बी ऑफिसर तक भी बन सकते हैं, अगर आप सही से लोगों का जानकारी रखेंगे
और एलपीजी में अगर आप 5 लाख किलोमीटर और 10 साल अगर सर्विस कर लेते हैं तो उसके बाद आप CLI ग्रुप बी ऑफिसर के पोस्ट के लिए एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए प्रमोशन स्ट्रक्चर ALP का कहाँ तक आप जा सकते हैं आपको मैंने सारा डिस्कस कर दिया। और एक और इम्पोर्टेंट नोट मैं करवाना चाहूँगा कि LDC और GDC क्या होता है। तो LDC होता है, LDC के बारे में बताना चाहूँगा कि LDC जो होता है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और आप सर्विस ज्वाइन करने के बाद अगर इसमें वैकेंसी आती है तो आप इसमें तुरंत एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें 30% जो सीट रहता है वो रेलवे एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रहते हैं। ये होता है आपका जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें आप एग्जाम दे सकते हैं मगर आपका कुछ कंडीशन होता है, आपका सर्विस में 3 ईयर्स कम से कम आप सर्विस करेंगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपका 3 ईयर सर्विस होना चाहिए तभी आप GDC के लिए एलिजिबल होंगे। जनरल डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और इसके लिए आपका सर्विस कम से कम 3 ईयर्स आपको करना पड़ेगा तभी आपके लिए इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपका 50% सीट रेलवे एम्प्लॉय के लिए रिजर्व रहते हैं और इसके थ्रू आप कोई भी अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा जो भी मैंने आपको बताया आप कमेंट जरूर करेगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो अगर अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्दी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है आपके भाई के चैनल को। तो सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि मेरे जो भी है मैं कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके और आपका हेल्प हो सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।